नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे एयरपोर्ट पे और जो कार्य निर्माण चल रहा है एयरपोर्ट पे उसको लेकर वो उन्होंने जायजा लिया और कहा कि हर जगहों पर जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, उसका जायजा लेना हमारा कर्तव्य है और हम इस चीज़ों पर जायजा लेने हर जगह पर जाएंगे। और उन्होंने सवाल, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अभी तक सर कैबिनेट की विस्तार नहीं हो पाया है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए अभी तक कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, आप भी जरा सुनिए उनकी बातों को। चाहेंगे तो उसके लिए भी जगह हमको मिल जाएगी, तो इस तरह से जितने भी काम है वो सब काम उपयोगी है ताकि यहाँ पर और ज्यादा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का आना जाना संभव हो सके। इसी को देखते हुए हम देखने आए थे, क्योंकि पहले भी हम सब दिन देखते ही रहे, तो इस बार भी जब उनका प्रस्ताव अचानक कल हमारे पास शाम में आया तो हमने कहा कल सुबह चल करके देखें, भैया करके देखें। वैशाली भी जा रहे हैं सर आप, अभी वैशाली भी अभी जाने की सूचना। वैशाली में इतना दिन से काम चल रहा है तो देखेगा ना जरा सर। 18 दिन हो गए सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सर क्या चल रहा है सर?